को बहुत बहुत प्रणाम। आज के दिन का बहुत बहुत स्वागत। आपको आवाज ठीक से आ रही है बाबा? हाँ, ठीक से आ हाँ रही है। जो भाई बिल्कुल, आप मुझे बोल आवाज बहुत रहे अच्छी हैं से आ आपको रही। करना है क्या अभी? हेलो करना है क्या इंडिविजुअल? अभी हम इस कंप्यूटर में कुछ 25 लोग हैं और दूसरे कंप्यूटर में कुछ 160 लोग हैं YouTube पे। जी, तो अभी पहले क्या करें अपन? आप बता रहे थे तो अब जो बाबा बोले वो आप, अब मेरा काम इधर। सब प्रणाम बोल रहे हैं, तो सबको एक बार रेडी प्रणाम क्या? करें। प्रणाम कर रहे बाबा। हाँ, मैं प्रणाम सबको करता हूँ। मनमीत भी है। अच्छा, ये प्रश्न है। हाँ जी बाबा, हाँ, एक सेकंड। यहाँ पे हाँ, कैमरा है बाबा, तो मुझे यहाँ कहाँ आपको देखना है? देखना इधर नहीं है। इधर मैं नहीं आपको देखना? बताता हूँ बाबा, एक सेकंड। हाँ ये जो प्रश्न है ना बाबा, ये इनका है, नीरज कुमार का, इनका। जी, और नीरज जी नमस्कार बाबा जी। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। नीरज को स्ट्रेंथ कर देते हैं। हाँ, बड़ा कर देंगे। हाँ बोलिए। बाबा जी, मैं पूछना चाहता था कि यदि ये समझ में आ जाए कि पूरी सृष्टि नाशवान है और अगर हम पूरी सृष्टि को एक क्षण के लिए नष्ट कर दें तो स्पेस ही बचता है पूरा का पूरा, और वो स्पेस ही हमारा होना है, तो किस तरह से उस स्पेस में जिया जाए या उसको अपनी मान्यता मानी जाए इस शरीर की मान्यता तोड़ने के लिए, क्योंकि अभी भी ये शरीर मतलब मान्यताओं से भरा हुआ और कल्पनाएं आ रही हैं, तो सीधा सीधा साक्षी कैसे हुआ जाए बस उसकी याद में, के जो आसपास स्पेस है या भीतर स्पेस है उसको सिर्फ याद करने से कि मैं वही हूं। प्रश्न तो सभी को शायद समझ में आ गया होगा ने बोला है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवन का जो सत्य है वो निराकार है, शून्य है, इसका कोई आकार नहीं है। प्रकृति और परमात्मा बहुत गहरे में जाएंगे तो दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है, जो दो तरह से अनुभव होती है। आप शरीर की तरह भी अनुभव होते हैं, और जैसा आपने कहा आप शून्य की तरह भी अनुभव हो रहे हैं। शून्य जो है, जो खालीपन है, जो एब्सोल्युटली एम्प्टीनेस है, उसमें कुछ तरंगें उठती हैं, उसमें कुछ घनापन आता है। और वो ऐसे ऐसे आकार लेता है, उसे हम संसार कहते हैं या हमारी देह कहते हैं। आज देखिए, साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो साइंस भी
पदार्थ को नकार देती है। साइंस कहती है इस ब्रह्मांड में सिर्फ ऊर्जा है और ऊर्जा सघन रूप में आके पदार्थ जैसी दिखती है। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, हम भी उस परम शून्य में, वो परम शून्य ही कुछ आकार लेता है, सघन होता है तो आकार जैसा भासता है। आकार किसी चीज का हो नहीं सकता, लेकिन कुछ पलों के लिए आकार जैसा हो जाता है और वो आकार मिट जाता है। और ये मिटने और होने की जो प्रक्रिया है इस भेद विज्ञान को हम समझ नहीं पाते। कारण है उसका कि जब तुम आकार होते हो तो तुम्हें बहुत सारे आकार दिखते हैं, और जब तुम बहुत सारे आकारों को देखते हो तो जो आकार तुमने लिया है उसे तुम सच मानने लगते हो, शाश्वत मानने लगते हो। और जब कभी तुम शून्य होते हो उसमें तुम्हें कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि शून्यता एब्सोल्युटली एम्प्टीनेस है, वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं है। वहां होने के लिए तो है लेकिन देखने के लिए नहीं। अगर हम उस शून्यता को भी देख पाते तो शायद हम उसमें भी आकार जोड़ लेते और बात पूरी बिगड़ जाती। उसको हम देख नहीं सकते, वो हम हो सकते। आप देखिए, हम रात दिन होने की बात करते हैं लेकिन होने के आकार के बारे में कभी सोचा है कि होने का आकार क्या होगा? तुम हो सकते हो लेकिन तुम देख नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है देखने का। तुम हो सकते हो, और जब तुम तरंग होते हो, लहर बन जाते हो, तो बहुत सारी लहरों को देखते हो और इसी से भ्रम पैदा हो जाता है कि तुम एक आकार हो। तुम कभी आकार हो ही नहीं सकते। किसी भी चीज का कोई आकार नहीं। साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो पदार्थ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जो चीज तुरंत कन्वर्ट हो जाती हो उसके बारे में क्या कहोगे कि इसका आकार है? अभी हमारी चेतना की जो गति है वो बहुत स्लो है। हमारी जागृति इतनी स्लो है कि हमें हर चीज ठहरी हुई दिखती है, हमें हर चीज गतिमान नहीं दिखती है, क्योंकि हमारी चेतना की गति धीमी है। जब किसी की चेतना की गति बढ़ती है, बहुत तेज होती है, उसे आकार में निराकार दिखने लगता है।
निराकार को सीधा देखने का कोई उपाय नहीं है, निराकार तुम होते हो, लेकिन आकार में निराकार की झलक आती है। इसीलिए इस सृष्टि का जो जन्म है, ये लहरों का जन्म है, वो इसलिए हुआ है कि ये तुम्हारे सामने, जब तुम्हारी चेतना की गति बढ़ेगी तो ये तुम्हारे सामने देखते देखते गायब हो जाएगी। तुम कभी अपने को व्यक्ति की तरह अनुभव करोगे, आकार की तरह अनुभव करोगे, और यदि तुम्हारी चेतना की गति ऊंचाई सही है तो तुरंत ही तुम निराकार में डूब जाओगे। और यह बड़ा मजेदार खेल है। आकार से निराकार में डूब जाना और निराकार से पुनः आकार में आ जाना, ये अद्भुत खेल है। जैसा कि आपने पूछा था समुद्र लहरों की बात, आप जो जिंदगी जीते हैं, इस जिंदगी में बहुत बार आपको पता नहीं होता, आपको ऐसा लगता आप एब्सेंट हो गए, कभी ध्यान में होते हैं, कभी मौज में होते हैं। आप क्षण मात्र के लिए खो जाते हैं और फिर हो जाते हैं। तो अपनी दृष्टि को आकार से हटा लेना। शुरुआत करना पड़ेगी अपने शरीर से। ये बोध इतना गहरा हो जाए, इतना गहरा हो जाए कि मैं शरीर भासता हूं, मैं शरीर हूं नहीं, मैं शरीर की तरह अनुभव करता हूं कि शरीर हूं, क्योंकि इसका भरोसा मैं इसलिए करता हूं कि मुझे दूसरे शरीर दिखाई देते हैं। जो तुम्हें दिखाई देता है वो सत्य नहीं है, वो बिल्कुल सत्य नहीं है, वो शाश्वत नहीं है। सत्य का मतलब जो सदा है, शरीर सदा नहीं हो सकता। ये तो आप देखते हैं आपके जीवन में कि कभी आप बालक थे, कहां गया, फिर कभी आप किशोर थे, वो बात भी कहां गई, अब ढूंढो किशोर अवस्था को मिलेगी क्या, कभी आप जवान थे, वो अवस्था भी गई। इस बात से सिद्ध होता है कि जो तुम देख पाते हो और जो अनुभव करते हो रूप में, वो एक परिवर्तनशीलता है, शाश्वतता नहीं। और जब आपकी चेतना बहुत ऊंचाई लेती है तो आप ना के बराबर पदार्थ होते हैं, और हकीकत में आप एक शून्यता होते हैं। शून्यता ही एक पूर्णता है। ओशो बार बार एक शब्द बोलते हैं, एब्सोल्युटली एम्प्टीनेस। वहां शून्यता के अलावा कुछ नहीं। इस बात पे भरोसा नहीं आता, सुन के ही डर लगता है कि शून्यता का क्या करेंगे।
लेकिन शून्यता ही पूर्णता है, ये तो जब बोध में आएगी बात तब आएगी। तो मित्र आपने जो पूछा है कि जीवन लहर की तरह उठता है और खोता है, क्या यही सच है? अगर आपने इसका सच में अनुभव कर लिया है तो मैं गवाह देता हूं कि यही सच है। शून्यता ही पूर्णता है। दूसरा प्रश्न। धन्यवाद। एक दूसरा प्रश्न है गौरव का, मैं उनको लाता हूं। एक मिनट। हाँ गौरव, आप दोनों सवाल जो है आपके वो एक साथ ही बता दीजिए। बाबा जी, मैं जब नाद ब्रह्मा मेडिटेशन करता हूँ तो दूसरे चरण में मुझे नाभि के पास से बहुत तेज झटके आने लग जाते हैं और पूरा शरीर बहुत तेज हिलने लग जाता है और वो बहुत प्रयत्न करने के बाद ही रुक पाता है। और दूसरा, मैं सोने से पहले कभी कभी जब मेडिटेशन करता हूँ तो अचानक रात में मेरी नींद बहुत ज्यादा डर से खुल जाती है और बहुत इतना ज्यादा डर लगता है जैसा मैंने पहले कभी महसूस ना किया हो, और सोचने पर भी और ध्यान करने पर भी समझ नहीं आता कि वो डर किस चीज का है। कब से कर रहे हो आप ध्यान, वो भी बता दीजिए। ध्यान जो नाद ब्रह्मा ध्यान है वो मैं ऑलमोस्ट एक महीने से कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बहुत सालों से 15-16 साल की उम्र से ध्यान कर रहा हूँ। देखिए, किसी भी तरह का ध्यान कोई भी व्यक्ति करता है उसके जीवन का पूरा सिस्टम बदलता है। नाद ब्रह्म ध्यान या कोई और ध्यान, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमारा केंद्र है वो नाभि है। नाभि एक ऐसा सेंटर है जो बहुत सारे आघातों को छुपाए हुए है। आपकी जिंदगी में भले बुरे जो भी गहरे अनुभव हुए हैं वो नाभि केंद्र में जाके सो जाते हैं, छुप जाते हैं। ना तो आपका हृदय बर्दाश्त कर सकता, ना आपका मस्तिष्क बर्दाश्त कर सकता, सिर्फ आपकी नाभि उसको पचा जाती है। वो सारे अनुभव आपकी नाभि में जाकर समा जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति इस तरह के प्रयोग करते हैं तो उनकी नाभि सक्रिय होती है। जब नाभि सक्रिय होगी तो जो तुमने छुपा रखी है चीजें बहुत सारी, वो चीजें झटके से निकलती हैं। वो एनर्जी उन चीजों को बाहर फेंकती है। जब कोई ऐसी चीज होती है तो तुम पूरे हिल जाते हो।
तुम्हारा पूरा अस्तित्व कांपने लगता है, डर लगता है। जब तुमने छुपाया था तब तुम बेहोश थे, और अब चूंकि ध्यान के माध्यम से ये चीजें निकल रही हैं, तो जब वो निकलती हैं उसमें तुम थोड़े जागृत हो, तो तुम्हें पता लग रहा है। लेकिन क्या हो रहा है यह विज्ञान का तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए तुम जरा ज्यादा डर जाते हो। जैसे ऑपरेशन में डॉक्टर क्या करेगा, अगर हमें पूरा विज्ञान पता ना हो तो हमें बहुत डर लगेगा। और ये है सेल्फ ऑपरेशन, आप अपना ऑपरेशन कर रहे हैं। तो जब जब भी थोड़ी ऊर्जा ज्यादा बनेगी आपके भीतर, और जितना भी तुम्हारे अंदर दमन पड़ा होगा, जितनी ऊर्जा गांठ बन के आपके भीतर पड़ी होगी, वो गांठें खुलती हैं। लक्षण तो बड़ा शुभ है, बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य से ऐसी बात होती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो कुछ भी आपको हो रहा है, आप इसे अहोभाव से लीजिए। निश्चित ही आपके पूरे प्राण कप जाते होंगे, डर इतना, मौत से भी ज्यादा। मौत तो तुमने कभी देखी नहीं। आदमी के सामने अगर शेर को भी खड़ा कर दिया जाए तो एक बार उसे ऐसा लगता है कि शायद शेर नहीं काटेगा, नहीं खाएगा, एक हिस्सा में भय नहीं होता। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घटती, जब कोई आदमी गहरा ध्यान की तरफ जाता है और उसके बंधन टूटते हैं, उसकी जड़ें टूटती हैं, तो उसका पूरा अस्तित्व कांप जाता है। और उसके लिए जबरदस्त भय लगता है, ऐसा लगता है कोई उपाय नहीं है अब, जैसे मैं मर जाऊंगा, मैं खो जाऊंगा। तो मित्र, ये सौदा अगर मर के भी होता है तो भी बहुत आपके हित में है। हम जब चीजों को सही तरीके से नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, तो ही ज्यादा भयभीत होते हैं। अगर हम उसको ठीक तरह से समझेंगे, देखेंगे और स्वीकारेंगे, उस स्वीकार भाव में आपका भय इतना नहीं रहेगा, ये भय विदा हो जाएगा। और ये झटके जो आपको आ रहे हैं, ये कोई जिंदगी भर आने की बात नहीं है, ना जिंदगी भर नादब्रह्म करने की बात है। जब तुम्हारी नाभि क्लियर हो जाएगी, सारी दबी हुई ऊर्जा निष्कासित हो जाएगी, आपकी नाभि खुल जाएगी। जब किसी की नाभि क्लियर होती है तो नाभि इतनी स्वादपूर्ण हो जाती है, इतनी प्रसादपूर्ण हो जाती है कि उसकी याद आते ही, उसका बोध आते ही आपके प्राणों में खुशी भर जाती है, आनंद भर जाता है। तो मित्र, जो घट रहा है उसे ओशो की कृपा मानिए और उसे होने दीजिए। धन्यवाद।
मैं सुनाऊं। एक मित्र का और प्रश्न है, कभी रात्रि में सोते हुए ध्यान करने पर रात में अचानक बहुत तीव्र डर घेर लेता है, इस तरह जीवन में पहले महसूस नहीं हुआ। डर का कारण सोचने पर भी समझ नहीं आता और उस डर को स्वीकार भी नहीं किया जाता। कृपया करके इस पर प्रकाश डालें। किनका है ये? बाबा आपने, ये गौरव ने यही पूछा था, मगर अलग तरह से पूछा था यही सवाल, तो इसका उत्तर तो आपने दे दिया। देखिए बात तो ये दोनों प्रश्नों को मिला के एक ही हो रही है। रात में क्या होता है जब कोई साधना करता है? तो क्या होता है जब वो नींद के सेंटर पर पहुंचता है, नींद के करीब पहुंचता है, उस समय अगर थोड़ी सी भी जागृति है उसको बनी हो, या यूं कहें कि लोग अधिकतर पहले स्वप्न में जाते हैं फिर नींद में जाते हैं, सीधा नींद में जाना मौत जैसा लगता है। अधिकतर तो प्रकृति की प्रक्रिया ऐसी है कि नींद में जाने वाले लोगों को स्वप्न से गुजारा जाता है, उनकी चेतना स्वप्न में से प्रसार करती है, और स्वप्न में जब वे पूरे बेहोश हो जाते हैं तो फिर नींद में प्रवेश हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो स्वप्न के बीच में एक जागृति उनको बन जाती है, वो जागृति बनती है और नींद का जो द्वार है वही मौत का द्वार है और वही समाधि का द्वार है। एक ही सेंटर पे तीन द्वार होते हैं। स्वप्न के माध्यम से जाएंगे तो आराम से नींद में चले जाएंगे, थोड़ी जागृति होगी और नींद में जाएंगे तो क्या होता है कि तुम जैसे ही नींद में जाते हो तो इतना घना अंधेरा उस सेंटर पर होता है और उसमें से तुम बहुत जोर से डर के बाहर आ जाते हो। ये साधकों को बहुत बार होता है। जब जब भी साधक गहरी साधना में जाएंगे थोड़ी जागृति बढ़ेगी तो उन्हें कभी कभी तो ऐसा होता है कि नींद में जाने से भी डरने लगते, क्योंकि जैसे ही सोने गए और आपकी जागृति ने थोड़ा सा खेल किया तो आप नींद में झटका खा के बाहर आ जाएंगे, एक जबरदस्त झटका लगेगा और इतने भयभीत हो जाएंगे कि हाथ पैर पूरे कांप जाएंगे आपके। अब जागृति को अगर आप बढ़ाएंगे तो द्वार बदल जाएगा। जैसी जागृति बढ़ती है तो इसी सेंटर से हम बजाय नींद में जाने के ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं।
और जब लोग 100% इस सेंटर में बेहोशी में पहुंचते हैं तो मृत्यु में प्रवेश हो जाता है, वो मृत्यु में खो जाते हैं। नींद में भी हम खोते हैं लेकिन नींद में भी हमारे साथ कुछ जागृति बची रहती है, कुछ कुछ परसेंट जागृति बची रहती है, इसलिए तो वो जागृति तुम्हें दोबारा से लौटा लाती है। समाधि में ध्यान में तुम बहुत जागृत होते हो तो तुम आराम से लौट आते हो, मृत्यु से तुम नहीं लौट पाते क्योंकि वहां तुम 100% सोए हुए होते हो, 100% बेहोशी में होते हो और वो उस बेहोशी में लौटने का कोई उपाय नहीं होता है। तो जीवन के ये तीन आयाम हैं। कोई सारी जिंदगी सिर्फ नींद को जीता रहता है, वो एक आयाम है, और अंत में मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है। कोई जागृति से नींद में प्रवेश करता है, जागृति से नींद में चूंकि प्रवेश हो नहीं सकता है, नींद आपको बाहर फेंक देती है। अगर साधक को सत्य को जानने की बहुत गहरी अभिलाषा हो कि मुझे सत्य को जानना है, उसकी प्यास, उसकी जिज्ञासा उसे नींद की तरफ नहीं ले जाएगी। वो प्यास और गुरु की कृपा उसे ध्यान की तरफ ले जाएगी, उसका ध्यान में प्रवेश हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। भगवान प्रभु ओशो बार बार एक बात कहते हैं कि मैं मृत्यु सिखाता हूं। नींद में तुम पूरे मर नहीं सकते लेकिन डर बहुत सकते हो, जबरदस्त डर सकते हो, मर नहीं सकते डर सकते हो। जितने ध्यान करने वालों को जो भय पकड़ता है लेकिन सत्य को जानने की बहुत तीव्र अभिप्सा नहीं होती तो वो नींद में जाकर गोता खाकर वापस लौटते हैं और डर जाते हैं, बुरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि तुम होश में हो और इतना घना अंधेरा तुम्हें जब लपेटेगा तो तुम्हारे प्राण कब जाएंगे, वो तुम वापस लौट आओगे। अगर तुम्हारी अभिप्सा सत्य को जानने की है तो तुम नींद के दरवाजे में नहीं जाओगे, जागृति तुम्हें ध्यान के दरवाजे में ले जाएगी, और ध्यान के दरवाजे में प्रकाश है, तुम अंधेरे में प्रवेश नहीं कर रहे, तुम प्रकाश में प्रवेश कर रहे हो। और चेतना का जो स्वभाव है वो ये है कि जिसमें प्रवेश करती है वो वही होने लगती है। जब वो अंधेरे में प्रवेश करती तो घना अंधकार हो जाती, सघन अंधकार हो जाती, और जब वो ध्यान में प्रवेश करती है चेतना तो वो प्रकाश होने लगती है। जब वो प्रकाश होने लगती है तो वो फैलने लगती है, आनंद बनने लगता है। इसमें गुरु की कृपा और आपकी अभीप्सा, साधक को ये देख लेना है कि मैं बार बार डर के लौट रहा हूं
तो मेरा प्रवेश नींद में हो रहा है, ध्यान में नहीं हो रहा। जब बहुत अभीप्सा हो और जागृति हो, गुरु की कृपा होती ही है, तो ठीक इसी सेंटर से आप ध्यान में प्रवेश कर जाती। आप आश्चर्य करें, पूरा गेस्टाल्ट बदल जाता है। जरा सी कीमिया, क्योंकि तुम उस द्वार पे तो पहुंचते हो। प्रत्येक व्यक्ति को उस द्वार पर रोज पहुंचना पड़ता है जहां से मृत्यु का रास्ता बनता है, नींद का रास्ता बनता है और समाधि का रास्ता बनता है, क्योंकि तुम रोज संभावना लिए हुए होते हो। प्रकृति तुम्हें रोज मौका देती है, आज तुम्हारा गेस्टाल्ट बदल जाए, लेकिन निर्भर करता है तुम्हारी प्यास पर, तुम्हारी जागृति। शायद मेरी बात आपको ख्याल में आई होगी, तो उस तरह से धैर्य से देखेंगे तो शायद आपके काम आए। अभी और प्रश्न है, एक और बाबा, इंग्लिश में एक सवाल हो सकता है? अगले राउंड में रखें? हाँ, कर सकते हैं, शनिवार को रख सकते हैं। शनिवार को पहला प्रश्न अंग्रेजी। ठीक है। साधक के जीवन में साधना का क्या महत्व है और इसका प्रभाव क्या केवल उन्हीं साधकों पर होता है जो ध्यान मार्ग पर हैं? स्वामी देव कच्छा। प्रणाम स्वामी जी। देखिए, यूं तो सारा जीवन एक साधना ही है। हमें जो जीवन मिला है ये जीवन उस महाजीवन की यात्रा का पड़ाव है, एक मौका है। यात्रा करने का बहुत सुंदर मौका है ये जीवन। जिस जीवन को आप जीवन समझ रहे हैं, ये सिर्फ महाजीवन में जाने के लिए एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक ब्रिज है। जो महाजीवन की तरफ आपको ले जा सकता है। अब इसका उपयोग कैसे करें? अगर हमने इस जीवन को ही जीवन माना तो देखिए, ये जीवन आपको कहां ले जाएगा? मृत्यु में ले जाएगा। अगर इसे सच मानते हैं इस जीवन को, तो अनिवार्य रूप से आपका मृत्यु में प्रवेश। आप जी रहे हैं मरने के लिए और कुछ भी आपका उद्देश्य नहीं है। आपका जीवन भागा जा रहा है मृत्यु की तरफ। जिस दिन से आप पैदा होते हैं उसी दिन से मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है। अगर इस यात्रा को हम बदल दें, अगर हमारी समझ ऐसी हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, कि इस जीवन को
बहुत सुंदर अवसर बना ले तो फिर आप साधक हो गए। जैसे ही आपके चित्त में इस संकल्प जागा कि ये जीवन महाजीवन में जाने के लिए एक मौका है, तो आप हुए साधक। यहां से आपकी साधना शुरू हो गई। जब किसी यात्रा का हमें बोध हो के हम कहां जा रहे हैं, तो हमें उसी तरह का सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपका उद्देश्य बदल गया तो उस यात्रा में अलग तरह की ऊर्जाएं आपको सहयोग करने लगती है, जैसे गुरु या जो भी डिवाइन परमात्मा आपको सहयोग करने लगता है। तो साधना आनंद हो जाती है। संसार में लोग जिस ढंग की साधना करते हैं, साधना तो करते हैं, लेकिन वो साधना उन्हें मृत्यु में पहुंचा देती है। तपते तो संसारी भी बहुत हैं, मेहनत बहुत करते हैं, शायद साधक भी इतनी मेहनत नहीं करता जितना संसारी करता है, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं मेहनत इसका उन्हें बोध नहीं होता। अनजाने में करते हैं, अनजाने में उनकी तपस्या चल रही है, क्योंकि अनजाने में जब साधना होती है तो वो हमें मृत्यु में जाकर हमारी साधना को खत्म कर देती, परिणाम कुछ भी नहीं होता। और ठीक इसी जीवन को जब हम साधना बनाते हैं कि महाजीवन में जाने का एक सुंदर मौका है, तो ये यात्रा सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ जाती है और साधक को अस्तित्व की तरफ से सभी तरह का सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। जब हम हमारे जीवन की साधना मौत की तरफ करते हैं तो तुम्हें मारने का चारों तरफ से प्रकृति आयोजन करती रहती है, क्योंकि जिस यात्रा पे हम जा रहे हैं उस यात्रा के बड़े साथी संगी हमें मिल जाते हैं और वो तुम्हें मारने का आयोजन करते रहते हैं, मिटाने का, और धीरे धीरे करते करते तुम्हें मौत के मुंह में डाल देते हैं। फिर उसमें तुम देख लो क्या क्या होता है। अब तुम्हें किन का संग साथ चाहिए उस तरह की यात्रा करो। अगर मृत्यु ही तुमने चुनी है तो साधना मृत्यु की हो ही रही। अगर अमृत तुमने चुना है तो इस जीवन का फिर देखिए बड़ा सदुपयोग है। और इसी ब्रिज के ऊपर से, जीवन एक ब्रिज है, एक अवसर है, हम उस महायात्रा की तरफ निकल जाते। शायद आपका यही प्रश्न था। और किसी मित्र का प्रश्न? हो गया? अभी और है प्रश्न? तो मैं आज के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं और शनिवार को आप बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछिए साधना संबंधी, और शायद उनकी चर्चा बड़े मोहब्बत से
देख लीजिए ना, है देख लीजिए। हाँ मैंने सबको देख लिया, एक एक को देख लिया। ठीक।